आई एनजी जुड़ नहीं सकता, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? आर को काट के यहां करना पड़ेगा आपको, डू यू नो इंग्लिश। डू यू नो इंग्लिश शुद्ध माना जाएगा, आर यू नोविंग इंग्लिश बिल्कुल गलत माना जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि स्वामी जी उन लड़कों को फिर आया था हमेशा, हमेशा में से एच को बाहर निकालो, और एच का मतलब हियर, एच ई ए आर, हियर माने सुनना, एच ई ए आर हियर यानी सुनना। मैंने आपको कहा कि क्या आप बाहर की तरफ एक विचित्र आवाज सुन रहे हैं? मैं इंग्लिश में कह रहा हूं, आर यू हियरिंग स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, लिखें आप, आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज, आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, आउटसाइड। हाँ भाई, देखो मैंने सेंटेंस ये लिखा कि आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, क्या आप बाहर की तरफ एक अजीब आवाज सुन रहे हैं, एक विचित्र आवाज सुन रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं इसके अंदर हियर क्रिया आ रही है, और हियर में आईएनजी जुड़ नहीं सकता, इसको हटाएं। यहां पर आपको डू का प्रयोग करना पड़ेगा, डू यू स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, क्या आप बाहर की तरफ एक अजीब आवाज सुनते हैं? इस तरीके से मैंने आपको कहा कि स्वामी जी उन लड़कों को हमेशा हमेशा भूखा, भूखा वैसे निकालो बी को बाहर, बी का मतलब बिलीव होता है, बिलीव यानी विश्वास करना, बी का मतलब बिलीव होता है। और मैंने आपको कहा कि आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूं, लिखे सेंटेंस, आई एम बिलीविंग इन गॉड, ये सेंटेंस लिखा है मैंने, आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास